आजकल का अदना सा प्रेसिडेंट, मस्जिद का प्रेसिडेंट का मस्जिद का प्रेसिडेंट गरीब आदमी अगर बोलता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो गरीब आदमी से मिलने का टाइम नहीं है। हम खुद मेरा हमारा मुसलमान का प्रेसिडेंट का बात कर रहा है, सेक्रेटरी जितना भी मेंबर, थोड़ा पैसा हो गया भाई आपसे मिलना ही नहीं है। कहाँ बड़ा बड़ा आदमी से मिलना है आजकल, कहाँ दोस्त लोग को देखिए, अगर पैसा वाला होगा आप गरीब है आपसे बात नहीं करेगा। ये चल रहा है हमारा दौर। और वो जमाना में अल्लाह का नबी का जमाना में क्या था, वो उस्मान रजी अल्लाह तआला, उस्मान हनी रजी अल्लाह तआला, यानी रिच रिच वेल्थ आदमी है हमारा सहाबा, क्या बोल रहा है कि मेरा आने में 2-3 मिनट देर हो गया, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। वो आदमी को घर में ले गया, कुछ नहीं पूछा। हमारा यहाँ घर में ले जाके वो आदमी को, जो अपने बच्चे को बोल रहा था कि शहद और दूध तुम लोग एक साथ में ना पियो, खर्चा कम करो, वो आदमी जब वो जो साहबी गरीब साहबी उनका घर में इंटर हुआ, पहले शहद और दूध एक साथ में पेश किया, फिर खजूर खजूर दिया, फिर मिठाइयां दिया। हम टाइम नहीं है मेरा पास। अगर गरीब आदमी आता है बाहर से हम बात कर लेते, किता 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 इसे हाँ खाई लियो, कल आना, परसों आना, तरसो आना, एक महीना हम टाइम नहीं है मेरा पास। और वो उस्मान नहीं रहते लो तो समझ गया वो आदमी तो। बाद में धीरे से टाइम लेके वो आदमी को नाराज नहीं होना कि एक आदमी मेरा घर में आया कुछ मांगने के लिए, हम उसको नाराज होने क्यों देगा। धीरे से शांति खिला उला पिला के फिर बोला कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। हदीस का बात है, आप शेयर कीजिएगा, हदीस का बात है। आजकल का प्रेसिडेंट, आजकल का जितना भी हमारा मुसलमान बड़ा बड़ा आदमी है, क्या करता है गरीब के साथ, ये कहानी है पहले का। ये सब देखिए, आप लोग सुनिए ये बात, ये हदीस का बात है। और वो आदमी से पूछा, साहबी से पूछा, गरीब साहबी से पूछा कि क्या चाहिए, मुझे 3000 दिरहम चाहिए। लेकिन 3000 दिरहम तो बोला ही नहीं, अपने गुलाम को बुलाया और गुलाम को बोला लेके आओ सामान। गुलाम ऊंट के साथ 6000 दिरहम ऊंट के साथ, और ऊंट भी दे दिया हुआ। तो साहबी बोला कि मैं इतना दूर का रहने वाला हूँ, मुल्क शाम कहीं जगह का नाम बोला है, कौन सा प्लेस है, कौन सा कॉलोनी है, तो हम इतना दूर से वापस ऊँट कैसे पहुँचाएंगे आपको। नहीं, ऊँट तो तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम पैदल आया ना, तुम ऊँट में चला जाओ। और 6000 धीरम है, और सातों सात तुम्हारा घर के लिए, तुम्हारा फैमिली के लिए कपड़ा भी है। इतना खुश होके गया। हम ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्या है कि हमारा जो इतना भी हम आजकल मेरा हमारा लीडर लुक, हम लोग का लीडर लुक, और स्पेशली हमारा जो इतना आदमी अल्लाह ताला पैसा दिया है, वो सब आदमी क्या गरीब के साथ क्या कर रहा है। ये हमारा धर्म में सिर्फ है ऐसा नहीं है, हर एक धर्म में ऐसा चल रहा है आजकल। अमीर गरीब को नहीं देख रहा, इसलिए गरीब गरीब हो रहा है। रास्ता में बच्चा सो रहा है, हम खुद देख रहे हैं रास्ता में बच्चा सो रहा है, गरीब बच्चा लोग घूम रहा है इधर उधर। तुम्हारा पास टाइम नहीं है, तुम प्रेसिडेंट है, तुम ये बस्ती का मालिक है, तुम वो माहौल का मालिक है, तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारा ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, तुम्हारा पास तुम्हारा कैपेसिटी है, अगर तुम्हारा पास ताकत है और तुम किसी गरीब को देखा और तुम उसको मदद नहीं किया, कल कयामत के दिन में तुम जन्नत जाके कोई ही नहीं। तुम 1000,00,000 करोड़ रुपया अगर मस्जिद में दे दिया, तुम सोचता है कि करोड़ रुपया, हम 1 करोड़ 2 करोड़ और हम 1,00,000,000 रुपया मस्जिद में डोनेशन कर देगा और हम जन्नत में जाएगा, इम्पॉसिबल है, नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा भूखा सो गया, ये तो बहुत सारा वाकया है, हम सुना है आप लोग को। प्लीज ये देख के, ये हमारा आजकल का दिन देख के हम ये वीडियो बनाया। प्लीज अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।